महंगाई के सताए शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस बताएगा कितना इजाफा किया जा रहा है डीलर्स मार्जिन में? देखिए, वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन जो है वो बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है इसकी मंजूरी दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन जो है वो बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। डीजल जो था उस पर फी लीटर जो है डीलर मार्जिन 4.87 रुपए का जो है उसका इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल पर जो फी लीटर डीलर मार्जिन जो है वो 2.10 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह डीजल पर जो है फी लीटर डीलर मार्जिन जो 4.13 रुपए है उसको बढ़ाकर अब 7 रुपए किया गया है। इसी तरह पेट्रोल पर डीलर मार्जिन जो 4.90 रुपए था उसको बढ़ाकर 7 रुपए किया गया है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफी बोझ जो है ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि डीलर्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो है वो आम सारिफ पर आएगा और सार्फिन जब पेट्रोल जो है वो फिलअप करवाएंगे अपने टैंक फ्यूल टैंक में तो उस हवाले से उनको ये इजाफी रकम भी देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ समरी जो है ओगरा की वो जा चुकी है। पीएम जो है वो डिसाइड करेंगे कल के पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है या नहीं, लेकिन डीलर मार्जिन में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया अवैस।